नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शिशु वर्ल्ड। आज हम और एक यूज़र क्वेरी लेंगे और उसका एक झटपट जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हमने बहुत सारी रागी की रेसिपी शेयर की हुई है चैनल पे और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि रागी होता क्या है या हमें यहाँ पे रागी किस तरह से मिलेगा। तो पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रागी एक मिलेट है। मिलेट मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, नॉर्मल अनाज जो सब लोग हम यूज़ करते हैं, गेहूँ, चावल, उसके अलावा जैसे ज्वार होता है, बाजरा होता है, राजगीरा होता है, ये जो मिलेट्स होते हैं, इसी तरह से रागी भी एक मिलेट है। इसका एक दूसरा नाम नाचनी भी है और अंग्रेज़ी में हम इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं और ये देखने में इस तरह का लगता है। तो अगर आप देखें, ये थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है और इसके दाने कुछ कुछ सरसों जैसे लगते हैं देखने में, जो राई का दाना होता है कुछ कुछ देखने में वैसे होते हैं, पर उतना काला नहीं है ये, और वैसे ही गोल गोल होता है। तो आप अगर आपको ये मिल जाता है, आप ऐसे भी ला सकते हैं, और नहीं तो रागी का आटा भी आजकल काफ़ी रेडिली अवेलेबल है ज़्यादातर सुपरमार्केट्स वगैरह में, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रागी कर्नाटका में बहुत ही पॉपुलर है। छोटे से बच्चों को जब बिल्कुल 6 महीने के हैं तब से रागी की कांजी दी जाती है, उनकी डाइट में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा नाचनी के नाम से ये मिलता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आई थिंक राजस्थान में भी, मगर और बाकी जो कई जगह हैं वहाँ पे रागी इतना कॉमनली नहीं पाया जाता है। तो इसको क्यों इतना रेकमेंड किया जाता है, उसकी मेन वजह है कि ये बहुत ही हाईली रिच है कैल्शियम में। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है और बच्चे जब बढ़ रहे हैं उनको भी कैल्शियम की अच्छी ज़रूरत होती है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम उनकी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। और इवन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, इवन मदर्स हैं जनरली हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं, तो उस टाइम पे भी अगर हम रागी को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है हमारे। रागी से बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं, जैसे बच्चों के लिए रागी की कांजी बनाई जाती है, रागी मॉल्ट होता है। रागी मॉल्ट क्या है, रागी को पानी में भिगोकर इसको स्प्राउट कर लिया जाता है और उसके बाद इसका पेस्ट बना के मिक्सी में इसे पीस लिया जाता है और फिर इसको कपड़े से छान देते हैं। तो इसके बाद जो पानी बचता है उसको पकाया जाता है, उसके साथ में नट्स डालते हैं और एक बहुत बहुत ही टेस्टी रागी मॉल्ट तैयार हो जाता है, जो कि बहुत रिच है। कहते हैं दूध में जितना कैल्शियम है वैसे ही कैल्शियम इसमें भी है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपने बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड कीजिए। रागी से डोसा भी बन सकता है। मैं कैसे करती हूँ, जब मैं डोसे का बैटर अगर बना रही हूँ तो जो नॉर्मली जो प्रपोर्शन में, जैसे अगर आप हम नॉर्मली क्या कहते हैं, 1:2 लेते हैं, एक पोर्शन हम उड़द दाल का ले रहे हैं और दो पोर्शन हम चावल का ले रहे हैं, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, एक पोर्शन चावल और एक पोर्शन रागी कर देती हूँ। नाउ आई डोंट नो ये ऑथेंटिक रेसिपी है कि नहीं है, पर मेरे लिए वर्क करता है। और बाकी उसको बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप बाकी इडली डोसा जो भी बनाते हैं वैसे यूज़ करें। इसके अलावा आप अगर डोसा इस तरह से नहीं बनाना चाहते, नॉर्मल बैटर बनाइए और उसमें रागी का थोड़ा सा आटा ऐड कर दीजिए, उससे भी बन सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम रागी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो हमने बहुत सारी रेसिपीज़ बताई भी हैं, तो मैं कुछ को लिंक कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड क्रेडिट्स में भी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सवालों के कुछ जवाब भी मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।